आज हम बात करेंगे रीट्स के बारे में और जानेंगे कि रीट्स किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है और इसका इतिहास क्या है। इसके जुरिडिक्शन अर्थात क्षेत्राधिकार की बात हम अपने आने वाले वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अधिकारों का अस्तित्व ही उपचारों पर आधारित है। उपचारों के अभाव में अधिकारों का अस्तित्व ही संभव नहीं है। भारतीय संविधान में जहाँ अधिकारों का विशद उल्लेख किया गया है, वहीं इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचारों का भी समावेश किया गया है। रिट्स याचिका से एक विशेष प्रकार के लिखित आदेश का बोध होता है। सामान्य अर्थ में समझे तो यह होता है कि हम आदेश देते हैं जो इतिहास के विभिन्न चरणों में उच्च अधिकारों से अधिकृत व्यक्तियों द्वारा किन्हीं व्यक्तियों के आवेदन पर उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए किसी अधीनस्थ व्यक्ति या अधिकारी को दिया जाता रहा है। विभिन्न याचिकाओं की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी के आसपास इंग्लैंड में हुई थी, जब इसके माध्यम से क्राउन ने प्रतिपक्षी को एक निश्चित समय के भीतर न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत होने का आदेश देना प्रारंभ किया। ऐसे आदेशों का स्थान न्याय प्रशासन के विभिन्न सर्वोच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए अधिकारियों से भी ऊंचा था, इसलिए इन्हें अपेक्षाकृत अधिक महत्व प्राप्त था। कालांतर में ये समय के साथ साथ ऐसे आदेशों को उनके प्रकृति के आधार पर पृथक पृथक नाम से जाना जाने लगा, जिसमें प्रत्येक की उत्पत्ति का अपना ही इतिहास है, जिसकी संक्षिप्त चर्चा हम आगे करेंगे। यहाँ मैं बता दूं कि रीट 5 प्रकार के होते हैं। हैबियस कॉर्पस अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस अर्थात परमादेश, प्रोहिबिशन अर्थात प्रतिषेध, सर्सियोरारी अर्थात उत्प्रेषण, को वारंटो अर्थात अधिकार परीक्षा, और इन सभी रीटों का अपना ही इतिहास रहा है। तो आइए इनके इतिहास पर नजर डालते हैं। हैबियस कॉर्पस अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण, इस प्रकार के समादेश देने का कार्य सर्वप्रथम सन 1166 में इंग्लैंड में हुआ था, तथा सन 1640 तक उसी रूप में ये आदेश क्राउन द्वारा किसी अभियुक्त को अपने सम्मुख प्रस्तुत किए जाने के लिए शेरीफ को दिए जाते रहे। इस अवधि में यह समादेश क्राउन के केवल एक आदेश के रूप में ही प्रयुक्त होता रहा, तथा उसके बाद ही इसे समादेश का स्तर प्राप्त हुआ। कुछ समय पश्चात सन 1640 में हैबियस कॉर्पस एक्ट पारित होने पर इस प्रकार का समादेश प्राप्त कर सकने का प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को अधिकार प्रदान कर दिया गया जिसे किसी विरोधी न्यायालय द्वारा बंदी बना लिया गया हो, तथा इस प्रकार व्यवस्था द्वारा अंग्रेजों की स्वतंत्रता पर सरकार अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा लगाया गया अनावश्यक अंकुश बहुत ही सरलता के साथ कम समय लगवा कर हटवाया जा सकता था। संभवतः यह रीट विधि के इतिहास में सबसे प्राचीन रीट है। लॉर्ड एटकिन ने इसे मैग्ना कार्टा का अंश बताया है। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को उपस्थित करो। यह एक ऐसा रीट था जो सम्राट की प्रजा के लिए जारी किया जाता था जिसे अवैध रूप से बंदी बना लिया गया हो। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट विशेषाधिकार संबंधी ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित रखने के लिए उसे अवैध अथवा अनुचित रूप से बंदी बनाए जाने के तुरंत मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। यह कार्यकारिणी के विरुद्ध उपलब्ध होता है। यह रीट उस व्यक्ति को उपचार प्रदान करता है जो अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो। यह किसी ऐसे व्यक्ति या जेलर को जिसके अधीनस्थ वह व्यक्ति बंदी हो, यह आदेश दिया जाता है कि बंदी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए तथा उसके बंदी बनाने का कारण तथा दिन की सूचना दी जाए। बंदी बनाने वाले व्यक्ति को उसके बंदी बनाए जाने के कार्य को उचित सिद्ध करना पड़ता है। यदि कोई उचित कारण न सिद्ध हो सके तो न्यायालय उसे तुरंत मुक्त करने का आदेश देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हैबियस कॉर्पस अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट क्या है और इसका इतिहास क्या रहा है। अब हम अपने दूसरे रीट पर आते हैं जो कि है मैंडमस अर्थात परमादेश। इस प्रकार के आदेशों के जारी किए जाने का क्रम कुछ पहले ही प्रारंभ हुआ था, परंतु इसका विधिवत प्रयोग सन 1615 में बाघ के मुकदमे से हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस क्रोक ने ऐसा आदेश जारी करके बाघ को पूर्ववत अपने पद पर बने रहने का आदेश दिया था, क्योंकि उसको अपने पद से हटाए जाने का कोई समुचित आधार उपलब्ध नहीं था। आगे चलकर इन आदेशों का प्रचलन उन परिस्थितियों में खुलकर होने लगा जहां किसी अमुक व्यक्ति को उसके पद से हटाने को उलटने की आवश्यकता हो, इसलिए इसे प्रत्यर्पण लेख भी कहा जाने लगा। धीरे धीरे इसका प्रयोग सार्वजनिक क्षेत्र में भी होने लगा तथा इसका महत्व बढ़ता ही चला गया। परमादेश रीट एक आज्ञा के रूप में होती है जो अवर न्यायालय, न्यायाधिकरण, परिषद, निगम अथवा अन्य किसी प्रशासनिक अधिकारी को विधि द्वारा आरोपित किसी विशेष कर्तव्य को करने के लिए जारी की जाती है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति को अपने पद से संबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए भी बाध्य किया जाता है। यह रीट किसी अधिकारी को विधि विहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए भी बाध्य करता है। इसके द्वारा कोई भी अधिकारी ऐसे कार्यों को करने से रोका भी जा सकता है जो विधि के अंतर्गत करने का अधिकार नहीं है।
यह रिट सरकारी अर्ध सरकारी विभागों तथा न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है। भारतीय प्रशासनिक विधि में इस रिट का उद्देश्य न्याय पाने से है, इसलिए इसे न्याय की रिट कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंडमस रिट किसे कहते हैं और इसका इतिहास क्या रहा है। अब हम अपने तीसरे रिट पर आते हैं, जो कि है प्रोहिबिशन अर्थात प्रतिषेध। इस प्रकार के आदेश धार्मिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को सीमित करने के लिए 13वीं शताब्दी में ही जारी किए जाने लगे थे, परंतु आगे चलकर ये रीट चांसरी तथा एडमिरल्टी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को सीमित करने के लिए भी इनका प्रयोग प्रारंभ हो गया। ऐसे आदेश यद्यपि प्रारंभ में केवल क्राउन ही देने को अधिकृत था, 16वीं शताब्दी में यह अधिकार सभी उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को सीमित कर सकने के लिए उपलब्ध हो गया। प्रतिषेध रीट केवल क्षेत्राधिकार संबंधी गलतियों से ही संबंध रखती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई न्यायाधिकरण अपने क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग कर रहा हो तो प्रतिषेध रीट उसे ऐसा करने से प्रतिरोधित करेगी। प्रतिषेध रीट किसी न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार के प्रयोग में की जाने वाली भूलों के लिए उसे प्रतिरोधित करती है। प्रतिषेध रीट किसी मंत्री कार्यकारिणी के प्राधिकारी अथवा लोककल्प निकाय के विरुद्ध उनके न्यायिक अथवा न्यायिक कल्प कार्यों को नियंत्रित करने के लिए भी जारी की जाती है। यह सिद्धांत पूर्ण रूप से संस्थापित हो चुका है तथा न्यायालयों द्वारा यह पूर्ण मान्यता प्राप्त कर चुका है। यह रीट केवल न्यायिक अथवा न्यायिक कल्प स्वभाव के कार्यों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रोहिबिशन अर्थात प्रतिषेध रीट किसे कहते हैं और इसका इतिहास क्या रहा है। अब हम अपने चौथे रिट पर आते हैं, जो कि है सर्सियोराराई अर्थात उत्प्रेषण। इस प्रकार के आदेश को जारी करना इंग्लैंड में सन 1258 से ही प्रारंभ हो गया था। इसके द्वारा क्राउन किसी भी निम्न न्यायालय से अपेक्षित जानकारी प्राप्त करता था या उसके सामने लंबित किसी मामले को आगे कार्रवाई चलाने के लिए अपने सामने मंगा लेता था। आगे चलकर वाद के पक्षकार की प्रार्थना पर ऐसे आदेश जारी किए जाने लगे तथा अब चांसरी न्यायालय भी इस अधिकारों का प्रयोग करने लगा। धीरे धीरे ऐसे आदेश निम्न न्यायालयों की कार्यविधि का पर्यवेक्षण करने के लिए भी जारी किए जाने लगे और इनका प्रयोग व्यक्तिगत क्षेत्र में बढ़ने लगा। यह लेख एक आदेश होता है जिसके द्वारा व्यक्ति न्यायालयों को उसके समक्ष प्रस्तुत मामले के अभिलेखों को विचार हेतु मंगाया जाता है तथा यदि इन आश्रित न्यायालयों के निर्णय बिना क्षेत्राधिकार के दिए गए हो अथवा प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध हो तो उन्हें रद्द कर दिया जाता है। उत्प्रेषण एक असाधारण विधिक अनुतोष है जो शुद्धिकरण प्रकृति की रीट है। उत्प्रेषण लेख के द्वारा सम्राट किसी अवर न्यायालय के न्यायाधीशों को यह आदेश देता था कि उस समय न्यायालय में किसी मामले के अभिलेख को उसके संबंध सभी बातों सहित प्रमाणित करे और उसे सम्राट के प्रवर न्यायालय में परीक्षण के लिए भेज दे। इसलिए इस लेख का इस प्रकार का नाम पड़ा, क्योंकि अपने असली रूप में यह था कि सम्राट उन आश्रित न्यायालयों के परीक्षण को पुनरीक्षण करके स्वयं संतुष्ट होता था कि आश्रित न्यायालयों द्वारा क्षेत्राधिकार का समुचित प्रयोग किया गया है। इसका उद्देश्य यह था कि किसी भी न्यायाधिकरण के द्वारा यदि क्षेत्राधिकार का अनुचित प्रयोग किया गया हो तो उसके विनिश्चय को जनता के हित में रद्द कर दिया जाए। उत्प्रेषण रिट के इतिहास को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह एक विशिष्ट एवं बहुत महत्वपूर्ण उपचार है जिसका गुण है संशोधन करना। इस रीट के द्वारा यह सिद्ध किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का समुचित प्रयोग किया गया है या नहीं। यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार का प्रयोग समुचित रूप से नहीं हुआ है और कोई मौलिक अनियमितता की गई है अथवा विधि का प्रयोग की भूल की गई है जो अभिलेख से प्रत्यक्ष हो रही हो तो ऐसी दशा में उसके विनिश्चय को रद्द कर दिया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि उत्प्रेषण रीट किसे कहते हैं और इसका इतिहास क्या रहा है। अब हम अपने पांचवें रीट पर आते हैं, जो कि है कोवारंटो अर्थात अधिकार परीक्षा। इस प्रकार के आदेश का दिया जाना क्राउन के द्वारा उन मामलों से शुरू हुआ था जिनमें जनता किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पद या अधिकार को हड़प लेने की कोशिश की गई हो जिसका संबंध क्राउन से हो। कालांतर में इस प्रकार के आदेश का प्रयोग दूसरे क्षेत्र तक भी बढ़ने लगा तथा अब सामान्य लोग भी इसका लाभ उठाने लगे। जैसा कि इसके शब्दों से ही प्रतीत होता है, किस अधिकार के द्वारा? जब कोई व्यक्तिगत पुरुष बिना किसी अधिकार के किसी लोक पद पर आसीन हो जाता है तो इस रीट के द्वारा उसे उस पद पर आसीन होने से प्रतिरोधित किया जाता है। हम यह कह सकते हैं कि अधिकार परीक्षा रीट वह आदेश है जिसके अंतर्गत किसी पक्षकार के अधिकारों का परीक्षण इस दृष्टि से किया जाता है कि यदि उसके अधिकारों का कोई आधार ना हो तो उसे उस पद से हटा दिया जा सके। इस रीट के जारी होने के लिए विवादित पद तथा उसके कर्तव्य
लोक स्वाभाविक होना आवश्यक है। यह रिट वह सूचना है जो प्राचीन अधिकार परीक्षा के रूप में होती है तथा किसी व्यक्ति के विरुद्ध जिसने किसी पद को ग्रहण कर लिया हो यह परीक्षित करने के लिए जारी की जाती है कि किस अधिकार के आधार पर वह उस पद पर आसीन है। यह रिट पद के दुरुपयोग के मामले में भी लागू की जाती है। इस रिट का उपचार अधिकार के रूप में नहीं प्राप्त किया जा सकता। यह न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है कि वह रिट मंजूर करेगा अथवा इनकार करेगा और वह मामले की परिस्थितियों पर आधारित है। यह रिट उस पद के धारण करने वाले से यह पूछती है कि वह न्यायालय के समक्ष यह बतलावे कि वह उस पद को किस आधार पर धारण कर रहा है। यदि न्यायालय यह निर्णित करे कि वह पक्षकार बिना किसी वैध आधार के वह पद धारण किया है तो वह न्यायालय उसे पद से हटाने का आदेश देगा जिसका उसे पालन करना होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि अधिकार परीक्षा रिट किसे कहते हैं और इसका इतिहास क्या है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रिट क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका इतिहास क्या रहा है और इसे किस प्रकार से और कहां लागू किया जाता है।